नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना महामारी लगातार एक खतरनाक रूप लेती हुई नजर आ रही है। लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं और करीब 1500 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि सक्रिय मामलों की संख्या भी 18 लाख के करीब पहुंच गई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देर रात तक मिली खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 2,60,533 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं 1,36,853 लोग संक्रमण से ठीक होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं और 1,493 लोगों की जान चली गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुल पॉजिटिव का ये आंकड़ा 1,47,82,000 के पार पहुंच गया है और इनमें से 1,28,00,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 1,77,168 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 17,95,278 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र समेत देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में महामारी की स्थिति सबसे खराब है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ 67,123 नए केस मिले हैं और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर लगातार दूसरे दिन 27,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। दिल्ली में 24,375 नए केस सामने आ चुके हैं और कर्नाटक में 17,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल में रिकॉर्ड 13,835 नए केस मिले हैं। मंत्रालय के मुताबिक 2.34 लाख नए मामलों में 69.32% सिर्फ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। इनमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र में 63,729, उत्तर प्रदेश में 27,360 और दिल्ली में 19,486 केंद्र केस शामिल हैं। चूंकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलीज़ुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर मेडिकल, हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए जिसकी वजह से बेड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया और अभी तक दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने दी गई। अभी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमने बेड्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर ही, 2-4 दिनों के अंदर ही, मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े स्केल के ऊपर बेड्स हम बढ़ा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर कोई मरीज़ को बेड चाहिए, सीरियस मरीज़ हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको। हमने ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी, जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था, सारे देश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं, 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं, 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और अभी 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को, और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो
प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। रेमडेसिविर की उपलब्धता को और उसकी कमी को ठीक प्रकार से जल्दी हैंडल किया जाए, इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का, उसका भी पूरा सहयोग है। उसके सहयोग से भी जो सभी बड़ी कंपनियां इसको बना रही हैं उनको भी जो है पूरी तरह से आगाह किया गया है अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। और इसके साथ साथ इस दवा का एक्सपोर्ट जो है वो भारत से बाहर उसको बैन किया गया है, और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी इत्यादि होल्डिंग इस दवा की ना हो या दूसरी और भी दवाई जो संबंधित हैं ना हो, उसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सख्त कार्रवाई देश के अंदर की जाए। ये सारी जो जरूरी जितने निर्देश हैं ये सारे के सारे दिए गए हैं और इनकी। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधा लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में 24,000 केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले समय में यानी कि 4 दिनों के अंदर 6,000 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। राजीव तिवारी, अगर नोएडा की बात करें तो वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, और जिस तरीके से कल से ये नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कितना असरदार देखने को मिला है ये नाइट कर्फ्यू वहां पर? देखिए, नोएडा के अंदर भी पहले से गाजियाबाद के अंदर नाइट कर्फ्यू चल रहा था, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, मगर सर कदम और भी उठाए जाएंगे। और अगर स्थिति नहीं संभलती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी काफी बिगड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो फैसला जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उस रफ्तार वाली चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू के अंदर लगातार लोग बाग जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रफ्तार को कम करने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी ये रफ्तार जो बढ़ती रहेगी, और कहीं ना कहीं सरकारें फिर जिम्मेवार होंगी, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि जनता खुद समझती है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है, मास्क कितना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस रफ्तार को तोड़ने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जी राजीव, अब 2020 की अगर बात करें, जो तस्वीरें देखने को मिली थी भयानक थी वो, और अभी भी सोचते समय भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब वही चीख पुकार वाली तस्वीरें सामने आ गई है। अस्पताल में बेड की कमी हो गई है, अब शमशान घाट की अगर बात करें तो वहां पर अब शव जलाने के लिए भी जगह नहीं बची है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बात करें 2020 की, तो 2020 में एक ऐसा मंजर था जो सबके सामने एक डराने वाला था, वही मंजर अब दोबारा से सामने आ रहा है दिल्ली के अंदर, और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से 2020 के अंदर जो स्थिति थी, यानी कि शमशान घाटों के अंदर बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो वही चीज आप दोबारा से नजर आने लगी है। शमशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी है, दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है, लगातार कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है, तो लोग जो है वो संभले और कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग दे और उससे कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगे, मगर अभी ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर देखना है
जब तक जनता सहयोग नहीं देगी तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। और सरकार बार बार जनता से अपील कर रही है, विज्ञापन के माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, कि जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, अपने घरों में रहे, अगर जरूरत पड़ती है तो ही बाहर निकले, वरना अन्यथा घरों में ही रहे। मगर देखना है जब तक जनता सहयोग देगी तो कितनी देर होगी, या फिर जनता कब तक सहयोग दे पाएगी, क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए जनता का सहयोग। स्थिति ऐसी लगने लगी है शायद अब लॉकडाउन का इंतजार कर रही है जनता, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में स्थिति और खराब होगी, क्योंकि सरकार लगातार अपील कर सकती है, हर तरीके के निर्देश भी जारी कर दे, उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली से अभी हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़े थे राजीव तिवारी, उन्होंने दिल्ली की स्थिति बताई है कि किस तरह हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, जनता मान नहीं रही है, हालांकि सरकार भी लगातार जनता से अपील कर रही है, हर तरीके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है कई जगह पर, छोटे मोटे जैसे जिस अगर आंशिक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जनता मान नहीं रही है, शायद वो इंतजार कर रही है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन कब लगे। जनता को ये सोचना चाहिए, अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो जाएगी। तो इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं हम चर्चा के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद जयतिलक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार सर, जिस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं कि भारत में यूटर्न ले लिया है कोरोना ने और हालात एकदम बेहद ही खराब होती नजर आ रही है, क्या लगता है जनता मान नहीं रही है, सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि किस तरीके अब स्थिति होने वाली है, अगर आपकी राय लेनी चाहे तो क्या लगता है कि लॉकडाउन से स्थिति कंट्रोल में होगी? देखिए हालात दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, अभी जो है लास्ट मंथ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ कहा गया है कि अगर भारत जो है इसको गंभीरता से नहीं लेता है, वहाँ के आम जन जो है इसको स्वयं जो है लॉकडाउन स्वयं में नहीं करते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है और जून के फर्स्ट वीक तक यह चरम पर पहुंच सकता है। देखिए सरकार तो ताकीद कर रही है लेकिन सच्चाई यह भी है कि देश के तमाम राज्यों में जो ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, बेड की कमी है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली तो विशेष रूप से इस कमी से जो है झेल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आम जनता है जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश जो जारी किया जा रहा है उसका अनुपालन करे। देखिए स्वयं में बचाव ही जो है इस महामारी से बचने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है, जितना संभव हो सके हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन यह विडंबना है कि इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है आदतन मजबूर हैं किसी भी कीमत पर जो है वो जो सरकार के जो दिशा निर्देश हैं या जो बड़े बड़े जो विशेषज्ञ इस संदर्भ में बात कह रहे हैं उसको मानते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सरकार जो है कई जगह जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा रही है या इसके अलावा जो है कुछ अंशकालिक जो है कर्फ्यू का भी इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन इससे हालात सुधरने वाले नहीं है। इसलिए कि जब तक स्वयं में जो है जागरूकता नहीं आएगी कि किस तरह इसका बचाव करना है, किस तरह दूसरे को बचाना है, तब तक जो है स्थिति गंभीर बनी रहेगी। ऐसे नावश्यक हो जाता है कि देश की जो जनता है या जो है स्वयं में जो है इसको अनुभूति करे कि नहीं हम स्वयं कैसे बचे और दूसरे को कैसे बचा। जी जी सर, जिस तरीके से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता की तो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और जिससे इसका डर था आखिर वही हुआ, क्योंकि पहले तो हर शहरों में कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। अगर ग्रामीण इलाकों की करें तो वहां पर भी अब केसेस में बढ़ोतरी होने लगी है, क्योंकि अगर ग्रामीण में पहले जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं शहर में तो स्थिति खराब होती नजर आ रही, लेकिन अब जब गांव में पहुंच गई तो हालात और खराब होते नजर आएंगे। जनता को अभी भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है, हल्के में ले रहे हैं कोरोना को। बिल्कुल कस्मा जी आप सही करिए, देखिए गांव के हालात अब बिगड़ने शुरू हो चुके हैं, इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर जो है चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बंगलौर हो, लोग लौट रहे हैं अपने घरों की तरफ तो स्वाभाविक रूप से अपने साथ वो बीमारी को लेकर के भी लौट रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि उत्तराखंड में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था वहां पर भी लोग स्नान करने गए थे, वे भी लौट रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है और वहां पे देश के लगभग तकरीबन सभी राज्यों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टियों का जो है प्रचार करने के लिए गए, अब उनकी भी धीरे धीरे वापसी हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से गांव से जुड़े हुए भी लोग हैं, शहर से जुड़े हुए भी लोग हैं। तो मान लीजिए इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए। इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 सिंघां नूं ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। जिहड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी दे चौंकी दे पावे कृपाण संख साहिब जो सतगुरु जी दीआं इतिहासक निशानियां ने। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बढ़ते कोरोना को लेकर जो एक खतरनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी मुद्दे पे हमारे खास मेहमान जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक। सर, बात अगर पलायन को लेकर करें कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन के लेकर अफवाहें फैलनी शुरू हो चुकी है क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, आंशिक लॉकडाउन लग चुका है, तो लोगों में एक ये डर बैठा हुआ है कि अब आने वाले समय में कभी संपूर्ण लॉकडाउन ना हो जाए। अब क्या लगता है कि पलायन शुरू हो चुका है मजदूरों का, तो इसमें कुछ इजाफा देखने को मिलेगा काफी कोरोना के बढ़ते मामलों में? अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है टेक्निकल दिक्कत है, तो दोबारे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार को अरविंद जयतिलक को। तो आपको बता दें कि वैक्सीन ही अभी विकल्प बचा हुआ है क्योंकि लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार ANB न्यूज भी लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए क्योंकि 2020 वाली जो तस्वीरें हैं वो वापस हमें नहीं देखनी है क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी 2020 में। तो ये हम पे ही लागू होता है कि सरकार जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूक किया जा रहा है, और वॉरियर्स का तरफ भी आप ध्यान देख लीजिए क्योंकि डॉक्टरों की अगर बात करें उनके भी उनका भी परिवार है, डॉक्टर भी लगातार लोगों को अपील कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखा हुआ है उन्होंने और लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, खुद स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। लेकिन जनता मान नहीं रही है, शायद संपूर्ण लॉकडाउन का इंतजार कर रही है जनता। तो हमारे एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जुड़ गए हैं। सर, अगर पलायन को लेकर अगर बात करें जो हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया कई राज्यों में, तो लेकिन अब लोगों को ये डर है कि कभी संपूर्ण लॉकडाउन ना हो जाए और आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो जाएगी अगर एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। तो अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो उनका पलायन शुरू हो गया, क्या लगता है कि बढ़ते मामलों में कुछ इजाफा भी देखने को मिलेगा क्योंकि भीड़ लगातार बरकरार है, बसों में भीड़ देखने को मिल रही है, स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर भी भीड़ देखने को मिल रही है? बिल्कुल आप सही करें। देखिए, क्योंकि इस आशंका से सभी लोग ग्रसित हैं कि अगर महामारी विकराल रूप धारण करती है जैसा कि दिख भी रहा है तो स्वाभाविक रूप से कल कारखाने के पहिए जाम होंगे, जो उद्योग धंधे हैं वो ठप होंगे और आप देख भी रहे कि महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हो गई है, तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरे राज्यों से गए हुए लोग हैं वो वहां से पलायन करेंगे क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि लोगों को अपने घरों पर पहुंचना ही सबसे प्रमुख कार्य था और किस तरह से वह पैदल भी पहुंचे, लेकिन इस बार क्योंकि सरकार सावधान है उसे लग रहा है कि नहीं जो है ट्रेन चलनी चाहिए, बसें चलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वहां पे भीड़ उमड़ रही है यानी कोरोना के जो दिशा निर्देश है उस बचाव का कोई अनुपालन नहीं हो रहा है और न ही स्टेशनों पर जो है उसकी जाँच की कोई जो है विशेष इंतजाम किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने साथ साथ उन महामारी को भी लेकर के जो है यात्रा कर रहे हैं
और जब घर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक रूप से गांव में तो आप जानती हैं कि जो किस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है इंतजाम कमी है या सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र किस बदतर हालत में, न डॉक्टर है न दवा है, तो इसका तो विकराल रूप धारण करेगा। और अगर जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी लगातार एक खतरनाक रूप लेती हुई नजर आ रही है, तो इसी मुद्दे पे हमारे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, गणेश तिवारी। गणेश तिवारी, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां के हालात किस तरीके से बने हुए हैं? हाँ देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो जो बीती रात रिपोर्ट आई है 11,259 मामले जो है कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आए, वहीं 66 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इंदौर की बात करें तो जहां 1656 मामले इंदौर में आए तो 1669 मामले भोपाल में सामने आए। तो जिस कदर कोरोना लगातार अभी भी बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। चाहे इसकी बीती पहले की बात करें तो 19 तारीख तक कई जिलों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, उसे अब मध्य प्रदेश के 6 जिलों में और बढ़ा दिया गया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, दतिया और अलीगढ़ राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अब ये लॉकडाउन 26 तारीख तक के लिए कर दिया गया है, तो लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया, 26 तारीख की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो लगातार जिस कदर संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार सरकार जो है लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू भी लगा रही है, लगातार नए नए चीजों का अनुकूलन की भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस कदर कोरोना बढ़ रहा है, इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी तक जहां बेड की ऑक्सीजन की कमी कर रही थी, अब सरकार उस पर भी प्रयासरत है। और अभी इंदौर में ही बात करें तो इंदौर में अभी तक मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर 2000 लोगों को रुकने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी और वहां पर डॉक्टरों की टीम के उसमें नियंत्रण में उन सभी की देखरेख की जाएगी, तमाम कोरोना मरीजों की देखरेख की जाएगी। तो लगातार अब सरकार जो है जागी है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। लगातार जिन चीजों की शॉर्टेज पड़ रही थी, जिन चीजों का, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो या फिर बेड हो, उन चीजों को अब उनकी जो जिस कदर खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, चूंकि कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं तो खपत भी निश्चित तौर पर बढ़ना तय है। ऐसे में सरकार अब उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा निर्यात पर गणेश, अगर बात लोगों की जाए, क्योंकि बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है, वॉरियर्स की अगर साथ ही बात की जाए, क्योंकि वॉरियर्स अगर चाहे वहां पर डॉक्टर हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया कर्मचारी हो, तो इनकी वजह से, क्योंकि लोगों की बड़ी लापरवाही की वजह से वॉरियर्स ही इनकी चपेट में आ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, लेकिन जनता अभी भी ढील बरत रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जो कोरोना आज एक विकराल रूप लिया है तो कहीं ना कहीं आम जनता की ही पूरी तरह से गलती है। सरकार लगातार चेताती रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लगातार जागरूक करती नजर आई है, लगातार जगह जगह पर रोको टोको अभियान चलाया सरकार ने, लगातार जगह जगह पर मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई की, कई तरह की बंदिशें की, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आया, तमाम सब चीजों पर जगह से मीडिया ने भी कई चीजें ऐसी दिखाई जहां पर लोग इसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। तो जिस कदर कोरोना बढ़ रहा है, हालांकि इसमें पूरा आम जनता का ही श्रेय है कि कई लोग जो है बेवजह जो या तो मास्क नहीं पहनते थे या बेवजह घूमते नजर आए या फिर जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पूरी तरह उल्लंघन करते नजर आए। तो जिस कदर कोरोना बढ़ रहा है उसमें पूरी तरह से अगर बात करें तो आम जनता का ही श्रेय, लेकिन हालांकि अब लॉकडाउन लगाया जा चुका है तो अब वह चीजें देखने में सामने नहीं आती, क्योंकि लोग घरों में अब कैद हो चुके हैं। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो थोड़े दिन बाद असर करता है लगातार, तो जिस कदर पहले लोग बाजारों में भीड़ इकट्ठी हुई है, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ है, तो अब जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, जो बीमारियां हैं वो देर से पता चलती है, तो अब जब जांच लोग करा रहे हैं तो उनके आंकड़ों में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जो दूर दराज भी लोग रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह कोरोना के आंकड़े जो है सभी जगह देखने में सामने आ रहे हैं। गणेश तिवारी, अगर बात मास्क को लेकर करें और दूसरी वैक्सीन को लेकर करें, तो इसी दौरान कई राज्यों में ऐसी खबर भी सामने आ चुकी है कि काला बाजारी हो रही है, क्या ऐसे मध्य प्रदेश में भी इससे स्थिति देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर देखिए करिश्मा, काला बाजारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले उजागर हुए जहां पर मध्य प्रदेश में इस महामारी के नाम पर जो है काला बाजारी चालू हो गई थी। हाल ही में अभी इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी ऐसे नकली इंजेक्शन बनाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेवल लगा के बेचने वालों को पकड़ा था, एक डॉक्टर को पकड़ा था,
तो वहीं इंदौर की जो एसटीएफ टीम है उसने भी ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ा, जो एक 800-900 का इंजेक्शन जो मिलता है उसे 10,000-20,000 रुपए में उसका विक्रय कर रहे थे। तो लगातार निश्चित तौर पर जिस कोई भी महामारी आती है, जिस महामारी की वजह से पूरा देश और दुनिया उसकी चपेट में आ जाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं उनका गिरोह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और समूचे जो भोपाल है, ऐसी कई जगहें सामने आई हैं जहां पर चाहे वो कई जगह हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से भी ऐसी कालाबाजारी करवाई गई है, कई जगह लोग जो है बाहर की कालाबाजारी जो करने वाले लोग हैं वो भी सक्रिय नजर आए। तो हालांकि प्रशासन अब सख्त नजर आ रही है और कड़े से कड़े कदम उठाकर, कठोर कदम उठाकर इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो कालाबाजारी में किसी तरह से अभी रोक नहीं लग पाई है। पुलिस प्रशासन और पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला इस चीज पर सक्रिय है, लेकिन कालाबाजारी अभी भी चरम पर ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो यही अपील अब एएनबी न्यूज तमाम दर्शकों से करता है कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क है जरूर। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।